सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? अभी तक ठीक था। होप मेरे भाई लोग, आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे अरे भाई बताता हूँ, रुको जरा, सबर करो। अच्छा तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले, मतलब एक दो हफ्ते के पहले, गाइस हमारा जो स्टोर का रिवैम्प हुआ था, मतलब आपको मत सिखा, जिसमें गाइज आप सभी लोगों को काफी कमाल कमाल के जो रेड बंडल थे वो गाइज गरेना वालों ने यहाँ पर आपको स्टोर सेक्शन में दे दिए। मतलब गाइज आप आसान तरीके से डायमंड देके वहाँ से कोई भी रेड बंडल है वो निकाल सकते हो, जो भी आपको पसंद होता है वो गाइज आपको डायमंड देके वहाँ से आप अपनी आईडी में ले सकते हो। अद्भुत, जबरदस्त, जबरदस्त। गरेना वाले गाइज यहाँ पर ही नहीं रुके, कुछ न्यू सेक्शन भी एड किए है, जिसमें गाइज हमारा ग्लोअल का स्किन भी यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिल जाता है। उसी के अलावा गाइज ग्रेनेड का स्किन और परंग का और जो कटाना का स्किन है भी गाइज आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और गाइज कुछ गिने चुने बंडल है, दो तीन हो गए, वो गाइज आप सभी लोगों को यहाँ पर गोल्ड में भी गरेना वाले ने अवेलेबल कर दिया है। मतलब गाइज अभी हमारे सर्वर में भी कोई आइटम है वो रेयर नहीं रहेगी। गाइज जो भी आइटम आएगी वो आपको दोबारा रिटर्न जरूर से देखने को मिलेगी। सो अभी गाइज आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ना, वो रहने वाला है गाइज कि हमारा जो स्टोर का रिवैम्प है वो वापस से आपको कब देखने को मिलेगा। अगर देखने को मिलता है तो उसमें आपको कौन कौन से बंडल्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से आइटम्स न्यू एड होने वाले हैं हमारे जो गोल्ड के आइटम है, मतलब गोल्ड से हम परचेस करते हैं। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ, तो भाई वो आपको कौन से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उसी पर गाइज हम लोग आज की इस वीडियो में डिटेल्स पर बात करने वाले हैं। सो गाइज आप लोग आज की वीडियो को ना लास्ट तक देख लेना, और गाइज उससे पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी फटाक से सब्सक्राइब कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो भाई आप लोग क्या चाहते हो, मैं आपके पैर पकड़ू, आपका माथा टेकू, वो करूँ तो आप सब्सक्राइब कर दोगे? क्यों नहीं। हाँ तो भाई वो भी कर दूंगा, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटक से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि गाइज आगे मुझको आपको बताना भी है काफी सारे इवेंट्स के बारे में और अपडेट भी आपको ढेर सारी बतानी है, तो मैं आपको वो बाद में कर दूंगा, पहले आप सब्सक्राइब कर लो और आपका मेरे पे उधार रहेगा। ठीक है, मैं आपका बाद में माथा टेक दूंगा और पैर भी पकड़ लूंगा, पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स बिगिन, आइए देखते हैं। सो भाई यहाँ पर जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो है गाइज हमारा टारगेट डाउन नाउ का इवेंट। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आपको 8 या 9 तारीख के बीच में आप सभी लोगों को हमारा जो टारगेट डाउन नाम का इवेंट है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइज उसी के कुछ आइटम है, उसका रिव्यू मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइज आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ग्रैंड का स्किन है वो आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में गाइज आपको बैकपैक का स्किन है, गाइज ये बैकपैक का स्किन है पूरा का पूरा बर्गर के थीम है। गाइज ये जो पूरा इवेंट है वही बर्गर के थीम पर रहने वाला है, तो गाइज आपको कुछ इस टाइप का बैकपैक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आता है गाइज हमारा ग्लोअल का स्किन, जिसके ऊपर गाइज आप सभी लोगों को बर्गर देखने को मिल जाएगा। तो ये ग्लोअल का स्किन है वो आप सभी लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। उसके बाद में गाइज जो हमारा प्राइज आता है वो है गाइज हमारा फीमेल का बर्गर बंडल, तो गाइज ये फीमेल का बर्गर बंडल है वो भी आप सभी लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है हमारा जो बर्गर का मेल बंडल है वो आप सभी लोगों को देखने को मिल जाता है। तो गाइज कुछ इस तरह का हमारा जो बर्गर का इवेंट है, मतलब जो हमारा टारगेट डाउन नाम का इवेंट है, उसके आइटम का रिव्यू आप सभी लोगों को मैंने दिखा दिया। गाइज आपने काफी वीडियो में देखा भी होगा, मैंने आपको दोबारा से दिखा दिया। तो गाइज इस तरह का कुछ इवेंट रहने वाला है जो कि आप सभी लोगों को 8 या 9 तारीख के बीच में हमारे सर्वर में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो गाइज जो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ चुके हैं वो है गाइज हमारा जो इवो थॉम्सन का स्किन है, उसके रिगार्डिंग। तो गाइज जो इवो थॉम्सन का स्किन है वो आप सभी लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये फेक है या रियल है वो अभी तक मेरे को नहीं पता, पर गाइज ये थॉम्सन का स्किन है वो लग तो रहा है इवो टाइप का। तो गाइज आप सभी लोगों को हो सकता है कि अपकमिंग हमको इवो थॉम्सन का स्किन भी देखने को मिल जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब गाइज जैसे स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, वैसे गाइज गरेना ससुरी कुछ भी कर सकती है, इसका भरोसा हम लोग नहीं कर सकते। बात तो सही है। तो गाइज हो सकता है कि आने वाले समय में गरेना क्या कुछ चक्कर चलाए, तो आपको इवो थॉम्सन की स्किन है वो भी देखने को मिल जाएगी, जो कि 100% देखने को मिलेगी। जितनी हमारी गन स्किन है वो आपको सभी की सभी इवो में देखने को मिल जाएगी। सो अभी गाइज फिलहाल बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो गाइज जो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर निकल के आ चुके हैं वो है गाइज हमारे दो रिटर्न फेडर बिल के बारे में। एक फेडर बिल आपको बिल्कुल ही न्यू देखने को मिलेगा, जिसमें गाइज आप सभी लोगों को हमारे जो ब्लू आर्कटिक का बंडल है उसका मेल और फीमेल बंडल देखने को मिल जाएगा। असंभव।
असंभव। तो गाइस इसका जो भी लीक्स निकल रहा है कि आपको जल्दी हमारा जो ब्लू आर्कटिक का फेडर बिल है वो भी आपको सभी लोगों को हमारे इंडियन सर्वे में अवेलेबल हो जाएगा। गाइस बांग्लादेश सर्वे में आपको काफी समय पहले वो फेडर बिल है वो अवेलेबल हो चुका है। तो अभी गाइस बारी है हमारे इंडियन सर्वर की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस आपको इंडियन सर्वे में जो ब्लू आर्कटिक का फेडर बिल जल्दी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस जो रिटर्न फेडर बिल आता है वो गाइस हमारा इवो MP40 का। तो गाइस हमारा इवो MP40 का फेडर बिल है वो भी आपको जल्दी हमारे गेम में अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस हमारा जो इवो MP40 है वो आपको वापस से रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफी सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि वो जो आइटम है मतलब जो इवो MP40 है वो कोलैबोरेशन की आइटम है। तो कोबरा के साथ जब भी कोलैबोरेशन वापस होगा तभी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो गाइस वैसा कुछ भी नहीं है, काफी सारे सर्वर में आपको इवो MP40 है वो वापस से रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। कई कई सर्वर में तो गाइस आपको 2-3 बार रिटर्न देखने को मिल चुकी है। तो गाइस हमारे इंडियन सर्वर के भी गाइस काफी ज्यादा चांसेस है। गाइस मेरे को तो यहाँ पर 99% चांसेस लगते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा जो इवो MP40 का फेडर बिल है वो गाइस आप सभी लोगों को यहाँ पर जल्दी रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको क्या लगता है कि रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर नहीं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मुझे क्या मालूम। छोड़ो भाई आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। किसे कह रहा है? भोसड़ी का जहाँ से लिख रहा है यही छोड़ दूंगी जितने हैं तुम सारे के सारे। अरे नहीं भाई। सो गाइज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। तो गाइज जो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट निकल के आ चुके हैं वो है गाइज हमारे अपकमिंग फेडरल के बारे में, जिसमें गाइज आप सभी लोगों को हमारा क्लाउड का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। गाइज काफी समय पहले ये अपडेट निकली थी कि आपको कुछ इस तरह का स्काइविंग है वो देखने को मिल जाएगा, साथ ही में उसका जो एनिमेशन है वो भी आने वाला है। तो गाइज जो फेडरल का लुक है वो आप सभी लोग देख सकते हो, हमारा जो फेडरल रहने वाला है वो आप सभी लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर गाइज आप सभी लोगों को पहले हमारा एक स्काइविंग का स्किन देखने को मिल जाएगा और उसी के साथ हमारा जो प्रोफाइल एनिमेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये प्रोफाइल एनिमेशन है ना गाइज मुझको तो काफी ज्यादा खतरनाक लगा, काफी ओपी वाला ये प्रोफाइल एनिमेशन है, मुझको तो काफी ज्यादा कमाल का लगा। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। गोली बेटा मस्ती नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में बोल रहा हूँ। गाइज ये एनिमेशन है ना मुझको तो काफी ज्यादा खतरनाक लगा। गाइज आप देख सकते हो गाइज कैसे आराम से लेटा हुआ टेस्ट से आता है। गाइज अगर आपकी प्रोफाइल कोई चेक करेगा ना तो उसको लगेगा भाई इसको तो दुनिया की कोई टेंशन ही नहीं है, भाई बिंदास है बंदा, एकदम खतरनाक वाला आपका लुक लगने वाला है। तो गाइज ये एनिमेशन है ना वो तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, बट जो उसका स्काइविंग का स्किन है ना जो बादल का स्काइविंग वो गाइज मुझको एनिमेशन से काफी ज्यादा पसंद आया। अगर गाइज ये स्काइविंग का स्किन हम इक्विप करके खेलते हैं से हम प्लेन से लैंड करेंगे ना तो गाइस आपके दिल में एक ही फीलिंग आएगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो भाई आपको ये स्काइविंग का स्किन कैसा लगता है? अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपको पसंद नहीं आता है बकवास सा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गजब टूबी बाज आदमी। सो अभी गाइज मजाक की बात नहीं करते, गाइज आते हैं हमारे सीरियस टॉपिक पर। सीरियस नहीं बट हमारा जो लास्ट टॉपिक है उस पर। तो गाइज ये टॉपिक बताने के बाद ये वीडियो को मैं एंड कर दूंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब फटाक से कर देना। सो गाइज अभी बात कर लेते हैं हमारे स्टोर रिवैम्प के बारे में कि वो आपको कब तक हमारे गेम में देखने को मिल जाएगा। बजाओ ताली। तो गाइज अभी काफी सारे सर्वर है जिसमें गाइज हमारा जो स्टोर है वो वापस से रिवैम्प हुआ है, मतलब गाइज हमारा जो इंडियन सर्वर है वो ही बाकी था हमारे स्टोर के रिवैम्प में, बट गाइज हमारे इंडियन सर्वर में भी आपको रिवैम्प देखने को मिल चुका है। गाइज जो दूसरे सर्वर थे गाइज हमारा सिंगापुर सर्वर और जो ब्राजील सर्वर, उसमें तो आपको पहले से हमारे जो सेक्शन थे मिली वेपन के वो एड हो चुके थे, बट हमारे इंडियन सर्वर में बाकी थे। बट गाइज हमारे इंडियन सर्वर में भी कुछ ही समय पहले रिवैम्प हुआ है। तो अभी गाइज जो दूसरे सर्वर है उसमें गाइज आप सभी लोगों को वापस से स्टोर है वो रिवैम्प हुआ है, मतलब उसमें आपको वापस से न्यू बंडल्स है वो एड हो चुके। तो आप देख ही सकते हो गाइज काफी कमल के बंडल्स यहाँ पर आप सभी लोगों को देखने को मिल जाते हैं। कुछ बंडल है वो गाइज आप सभी लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिलते हैं, फ्री में नहीं बट आपको गोल्ड में तो मिलते हैं, वो फ्री ही कहलाता है। तो गाइज ये सारे बंडल जो है आप सभी लोग देख सकते हो, ये सारे बंडल आप सभी लोगों को आने वाले समय में जब भी हमारा स्टोर का रिवैम्प होगा उसमें आप सभी लोगों को गोल्ड में अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद में गाइज सबसे बड़ी यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है वो है गाइज हमारा स्ट्रीट डांसर बंडल, जो कि गाइज आप सभी लोगों को स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। गाइज काफी सारे सर्वर है, ये जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो एक ही सर्वर की है, बट गाइज काफी सारे ऐसे फ्री फायर के सर्वर है जिसमें गाइज आप सभी लोगों को जो ब्रेक डांसर बंडल है वो यहाँ पर स्टोर में अवेलेबल कर दिया गया है। तो गाइज आप लोग क्या मानते हो, हमारा जो ब्रेक डांसर बंडल है वो आपको हमारे इंडियन सर्वर में स्टोर में देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? मुझको तो गाइज नहीं लगता कि आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइज हमारे इंडियन सर्वर में काफी ज्यादा रेयर है। भाई गरेना वाले हमको मैजिक क्यूब में नहीं देते तो स्टोर में कहाँ से देंगे।
तो गाइज उसके अलावा गाइज यहाँ पर जो हमारा डीनो बंडल है वो भी आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो गाइज इसके चांसेस मेरे को लगता है कि आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद में गाइज हमारा जो ब्रिकमैन वाला बंडल है, तो गाइज ये जो ब्रिकमैन वाला बंडल है उसके भी मेरे को 50% चांसेस लगते हैं कि आप सभी लोगों को यहाँ पर स्टोर में हमारे इंडियन सर्वर में भी देखने को मिल सकता है। गाइज यहाँ पर कुछ आइटम है जो आप सभी लोगों को गोल्ड में अवेलेबल हो जाएगी, वो तो हमारे सर्वर में पहले ही है। बट गाइज कुछ और आइटम यहाँ पर निकल के आई है, वो गाइज आप सभी लोगों को ओबी 35 के अपडेट के बाद हमारे इंडियन सर्वर में भी गोल्ड रॉयल में अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइज आप सभी लोग वेट करो, हमारा जो ओबी 35 का अपडेट आएगा ना उसके बाद आप सभी लोगों को वापस से हमारा स्टोर में रिवैम्प देखने को मिलेगा। और गाइज हमारी एक जो ग्लोअल की स्किन है गाइज वो काफी ज्यादा रेयर है, मतलब गाइज वो फर्स्ट हमारी ग्लोअल की स्किन है जिसके अंदर गाइज आप सभी लोगों को एट्रीब्यूट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज वो ग्लोअल की स्किन भी यहाँ पर गरेना वालों ने दूसरे सर्वर में स्टोर में अवेलेबल कर दी है। तो गाइज ये ग्लोअल की स्किन के भी 50% चांसेस मेरे को लगते हैं कि आपको हमारे इंडियन सर्वर में भी देखने को मिल सकता है। बाकी गाइज आप सभी लोग वेट करो और अपना गोल्ड है वो बचा कर रखना गाइज, हमारा जो ओबी 35 का अपडेट आएगा उसके अंदर गाइज आप सभी लोगों को काफी कमाल के जो बंडल है वो यहाँ पर गोल्ड में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर गाइज आप लोग गोल्ड इकट्ठा करके लगते हो तो गाइज आप बंडल है वो आराम से एक्सचेंज कर पाओगे। सो आई होप गाइज आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं आप सभी लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ। तो गाइज आप सभी लोग स्टे ट्यून रहो, हमारा जो ओबी 35 का अपडेट है वो अभी 15-20 दिनों के बाद आने ही वाला है। तो गाइज उसके बाद आप सभी लोगों को हमारे जो स्टोर का रिवैम्प है वो वापस से देखने को मिलेगा। और उसके अलावा गाइज हमारा जो साइथ का स्किन है वो भी हमारे गेम में अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारे इंडियन सर्वर में अवेलेबल नहीं है। तो गाइज वो साइथ का जो सेक्शन है वो भी आप सभी लोगों को ओबी 35 के अपडेट के बाद जब भी हमारा स्टोर रिवैम्प होगा उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइज आप सभी लोग क्या मानते हो, हमारा जो ब्रेक रासम बंडल है वो आपको हमारे इंडियन सर्वर में स्टोर में देखने को मिल सकता है या फिर नहीं, और हमारी जो फर्स्ट ग्लोबल की स्किन है जो एट्रीब्यूट्स वाली वो आपको हमारे स्टोर में देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, अपना राय मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो आई होप गाइज आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो बस लाइक करके ही मत चले जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर से कर देना, क्योंकि गाइज आगे भी आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।